हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन वन वे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन में हम लोग चैप्टर चला था लाइफ प्रोसेस, क्लास टेंथ का साइंस चला था, जिसमें चैप्टर वन हम लोग का लाइफ प्रोसेस था, जेप प्रोग्राम। उसमें जो है आज हम लोग क्लास थर्ड है ना, इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे जेप प्रोग्राम का, जिसमें पोषण हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद जो है दूसरा चैप्टर में हम लोग प्रकाश संश्लेषण दे थे, तो आप लोग पार्ट वन और पार्ट टू वाला वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग जो है उसको देख लीजिए, तब आप पार्ट थर्ड वाला वीडियो देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग देखेंगे आज पार्ट थर्ड वाला वीडियो में, क्लास थ्री है ये, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है। तो हम लोग इससे पहले पार्ट टू वाला वीडियो में बता चुके थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीज़ों का होना आवश्यक है ना, क्लोरोफिल, चार चीज़ होना आवश्यक था, क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, सूर्य प्रकाश हो गया, CO2 हो गया और H2 हो, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम में बार बार पूछता भी है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या होना आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीज़ का होना आवश्यक है, क्लोरोफिल हो गया, सूर्य प्रकाश हो गया, CO2 और H2O, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है ना क्लोरोफिल आवश्यक है, तो इसको आप समझाएं अच्छे से क्रियाकलाप द्वारा। तो ये बार बार पांच नंबर का जो है बायोलॉजी में पूछा हुआ है कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो एक हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रियाकलाप करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लैब देखना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्यों आवश्यक है। तो हम लोग एक पत्ती लेते हैं जिसका नाम है क्रोटोन, क्रोटोन का पत्ती लेते हैं जो एक चित्तीदार पत्ती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं पे सफेद रंग का होता है, कहीं कहीं हरे रंग का होता है, कहीं पीले रंग का होता है। तो इस तरह के पत्ती को हम लोग बोलते हैं, एक चित्तीदार पट्टी लेना है, पत्ती लेना, जिसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्रोटोन का पत्ती बोलते हैं, या फिर जो हम लोग कोलिसेस का पत्ती ले सकते हैं, ठीक। तो वो पत्ती जो है क्या होना चाहिए, चित्तीदार होना चाहिए, और जहाँ जहाँ जो है आपका हरा वाला भाग है उसको हम क्या कर देंगे, एक जो है पेंसिल से इसको क्या कर देना, अंकित कर देना है, ठीक है। तो पता चले कि ये जो है हरा वाला भाग है। अब इस पत्ती को है ना, और बाकी बात क्या हो गया, बाकी भाग सफेद हो गया। अब इस पत्ती को हम लोग क्या करेंगे, जल में जो है कुछ देर तक हमको इस पत्ती को क्या करना, उबालना है, कुछ समय तक। कुछ समय में पत्ती को उबालने के बाद है ना, उस पत्ती को फिर क्या करें, उस पत्ती को फिर अल्कोहल का जो है एक अल्कोहल का जार में जो उसको कुछ देर तक रखें और फिर उसको उबालें अल्कोहल में। तो अल्कोहल में आप जैसी पत्ती को रखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो पत्ती का जितना भी हरा वाला भाग था वो पत्ती से निकल कर किस में जाएगा, अल्कोहल में पूरा घुल जाता है, और पत्ती जो का रंग जो होता है वो रंगहीन हो जाता है। मतलब पत्ती का जो भी क्लोरोफिल वाला पार्ट था उसमें जो हरा वाला भाग था वो पूरा किस में चला जाता है, अल्कोहल में क्या होता है, घुल जाता है, और पत्ती में जो है हम लोग को पता नहीं चलता कि पत्ती में कहाँ क्लोरोफिल है, कहाँ हरा है, ठीक है। तो वो पत्ती का रंग जो एक समान हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। अब उस पत्ती को अल्कोहल से निकाल लें, अल्कोहल से निकालने के बाद उसको क्या करना है, एक चाइना डिश में जो है इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं पेटी डिश में हम लोग को क्या करना है, उस पत्ती को रख देना है, ठीक है। अब उस पत्ती में क्या करना है, इस पत्ती में आप लोग को आयोडीन का जो है क्या करना है, आयोडीन का घोल डालना है। आयोडीन का घोल जैसे ही डालेंगे तो आपको देखेंगे कि पत्ती के रंग में कुछ क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो पत्ती का रंग में क्या परिवर्तन हुआ, तो जहाँ जहाँ हम लोग जो है कलम से अंकित किए थे उस वाला भाग में जो है कैसा रंग गया, गहरा नीला रंग का हो गया। वो भाग कैसा हो गया, गहरा नीला रंग का हो गया, ठीक है। तो गहरा नीला रंग का जो हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि पत्ती में जो है गहरा नीला रंग होने का क्या कारण था, कि जहाँ जहाँ पत्ती में हरा था वहाँ वहाँ रंग में क्या हो गया, गहरा नीला रंग हो गया, और जहाँ जहाँ पत्ती में जो है सफ़ेद था तो उसके रंग में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ का आयोडीन का घोल जो उसमें क्या हुआ, असर नहीं पड़ा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ गहरा नील हुआ तो वहाँ पे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुआ था, वहाँ पे जो है पत्तियाँ क्या बनाया था, भोजन बनाया था, स्टार्च तैयार हुआ था, मंड तैयार हुआ था, है ना, स्टार्च तैयार हुआ था, भोजन बनाया था, या फिर जो है मंड तैयार किया था, जिस कारण से वहाँ पे क्लोरोफिल क्या था, उपस्थित था, जिस कारण से आयोडीन का घोल डाले तो वहाँ का रंग में परिवर्तन हो गया। अच्छा, जहाँ जहाँ सफ़ेद रह गया पत्ती, तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है प्रकाश संश्लेषण हुआ नहीं, जिस कारण से वहाँ पे रंग में परिवर्तन नहीं हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है क्लोरोफिल जो है आवश्यक है। देखिए हम लोग, क्योंकि यहाँ पे नीला रंग हो गया, तो इसलिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो इसको आप लोग जो है पाँच नंबर का जो मतलब एग्जाम में पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, कि प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का होना आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप के रूप में, है ना, इसका हम लोग प्रयोग देखेंगे। प्रयोग हम लोग इसका देखते हैं कि प्रयोग में जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पौधे को लेंगे, ठीक है, उसका जो है पत्ती, उस पौधे को क्या करेंगे, दो क्या कहता है, पौधे को जो है अंधेरे में रखे, कमरा में रख देंगे एक दिन के लिए, एक रात के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ताकि जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना हो सके अच्छे से, ठीक है। अब उस पत्ते को अगले दिन जो है एक चौड़े मुंह वाले बोतल से जो है उस पत्ते का आधा भाग को हम लोग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और उसके अंदर में ले लेना पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH,
पोटासियम हाइड्रोक्साइड का जो है विलयन ले लेना है, और पत्ती के जो आधे भाग को क्या कर देना है, चौड़े मुंह वाले बर्तन से इसको क्या करना है, बंद कर देना है। ठीक है, अब इस पत्ते को है ना, इस प्रयोग को जो है हम लोग क्या करेंगे, एक सूर्य का रोशनी में छोड़ देंगे इसको 4 से 5 घंटा के लिए। 4 से 5 घंटे के बाद इस प्रयोग को जो है छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर क्या कर देते हैं, पत्ती को जो है पौधे से क्या कर देना, अलग कर देना है। फिर इस पत्ती को जो है अल्कोहल में क्या करें, अल्कोहल में इस पत्ती को जो है फिर कुछ देर के लिए गर्म कर दें, अल्कोहल में डुबा के जो है, अल्कोहल में डुबा के इस पत्ती को क्या कर देना है, गर्म कर देना है। जैसे ही गर्म करेंगे तो पत्ती का जो है पूरा रंग जो होता है सब निकल के क्या चले जाएगा, अल्कोहल में क्या रहता है, घुल जाता है। ठीक है, अब पत्ती को फिर क्या करना है, पत्ती को अल्कोहल से निकाल के जो है स्वच्छ पानी में देना है, साफ पानी में। फिर साफ पानी से जो है उसको निकाल के क्या करना है, एक जो है उसको पेटी डिश में जो है रख देना है, फिर पेटी डिश में उसको पत्ती को रखना है। ठीक है, इस पत्ती को जो है फिर किसमें रखना, पेटी डिश में रख दिए। पेटी डिश में जैसे ही आप रखेंगे फिर उसके बाद इसमें क्या देना है, इसमें जो है आयोडीन का क्या करना है, घोल दे देना है, आयोडीन के कुछ बूंदे जो है इसमें दे दें, आयोडीन के ये बूंदे, आयोडीन की बूंदे जैसे ही देंगे तो पत्ती का जो है देखेंगे कि आपको आधा भाग जो है क्या हो जाएगा, गहरा नीला रंग का हो जाता है, आधा भाग जो है इसका जो है क्या हो जाएगा, आधा भाग गहरा नीला रंग का हो जाता है, और आधा भाग जो होता है वो क्या होता है, उसके रंग में परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पत्ती के आधे भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुआ था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो पत्ती के आधे भाग में हुआ था। कौन वाला भाग में हुआ था, जो पत्ती के चौड़े मुंह वाले बोतल से बाहर में था, क्योंकि इसमें जो है हर वो चीज था, इसमें इसको क्या क्या मिला था, CO2 भी मिला था, सनलाइट भी मिला था, क्लोरोफिल भी था और जल भी मिला था, H2O भी था और क्लोरोफिल भी था, सब चीज मिल रहा था। लेकिन पत्ती के अंदर वाले भाग में है ना क्या क्या था, क्लोरोफिल तो था है ना, सनलाइट भी मिल रहा था, क्लोरोफिल भी था है ना, क्लोरोफिल भी था, और उसके बाद इसको जल भी मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर में क्या नहीं पहुंच रहा था, CO2 जो है नहीं पहुंच रहा था, जिस कारण से पत्ती का आधे भाग में जो है एक CO2 अनुपस्थित होने के कारण यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है आधे भाग में नहीं हुआ, और यहाँ पे जो है भोजन तैयार नहीं हुआ, और ना ही यहाँ पे क्या बना, मंड बना, और यहाँ पे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुआ, जिस कारण से जो है पत्ते में जो है क्या हो गया, गहरा नीला रंग का हो गया जब आयोडीन के घोल को डाले। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो है चारों चीज का होना जरूरी है, बिना CO2 के जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो हम लोग जो है आज का क्लास में देखिए, क्लास 3rd में जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक था, और प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का भी होना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना कैसे आवश्यक दिखे थे, क्योंकि उसमें चित्तीदार वाला पत्ती लिए थे, और जहां जहां हरा था वहां पे जो है क्लोरोफिल उपस्थित थे, इसलिए जो है वहां का रंग में परिवर्तन हो गया, और जहां जहां सफेद था तो वहां पे रंग में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुआ नहीं था, और वहां पे मंड नहीं तैयार हुआ, स्टार्च नहीं बना, भोजन नहीं बना, जिस कारण से वहां के रंग में परिवर्तन नहीं हुआ। वही बात यहां पे भी CO2 वाले में भी, CO2 का जो है पत्ती के आधे भाग में जो है भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुआ, जिस कारण से उसका रंग में परिवर्तन हुआ है ना, और जिस और अंदर जो बोतल के अंदर में था तो उसका जो प्रकाश संश्लेषण हुआ नहीं, तो वहां पे जो क्या कहता है सूर्य CO2 पहुंचा नहीं, जिस कारण से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुआ नहीं। तो हम लोग जो है प्रयोग द्वारा जो दर्शा सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए चारों चीज का होना आवश्यक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो प्रकाश संश्लेषण के लिए समझ में आ गया, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का और CO2 का होना आवश्यक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है सूर्य प्रकाश और H2O का है ना, सूर्य प्रकाश और H2O का होना आवश्यक था, तो ये नेक्स्ट वाला वीडियो में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक कोशिका की जीव में अमीबा में पैरामीशिया में जो है पोषण की प्रक्रिया कैसी होती है, तो ये सब चीज़ हम लोग को आज जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि जीव प्रक्रम चैप्टर चल रहा है, इसमें हम लोग जो NCERT से रिलेटेड जो है जितना क्वेश्चन होता है उसको भी हम लोग लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको जो है देखिए अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश का होना आवश्यक है और जल का होना आवश्यक है, फिर हम लोग जो है अमीबा पैरामीशियम इस सब के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग को जो है चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप लोग जो है वीडियो को जो है जरूर सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।